हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वाज एंड वर। वी यूज वाज एंड वर इन पास्ट टेंस। स्टूडेंट्स, इन प्रेजेंट टेंस वी यूज इज एम आर, बट इन पास्ट टेंस वी यूज वाज एंड वर। वी यूज वाज एंड वर विद नाउंस एंड प्रोनाउंस। वी यूज वाज एंड वर विद नाउंस एंड प्रोनाउंस। वॉज एंड वर का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं नाउन और प्रोनाउंस के साथ, और इज एम आर का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। वर्तमान काल की जब बात होती है तब सेंटेंस में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, और जब वही सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है, जो बीत गया है, जो कल बीते हुए कल की बात करता है, वहाँ पर हम वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं। वॉज एंड वर आर वर्ब्स। वॉज एंड वर आर वर्ब्स। वॉज एंड वर आर वर्ब्स। दे टेल अस वॉट पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स वर सम टाइम अगो। वॉज एंड वर वर्ब्स हैं, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। दे टेल अस वॉट पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स वर सम टाइम अगो। मतलब ये हमें बताता है कि किसी पर्सन, एनिमल, थिंग्स के बारे में कि वो कुछ समय पहले क्या थे, उसे दर्शाता है। मतलब बीते हुए समय में पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स के बारे में क्या बातें की जा रही हैं, या बीते हुए समय में वे क्या थे, उसके बारे में बताता है पास्ट टेंस, जिसमें हम वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं। Read the sentences. Jyoti was a good student. The children were polite. So in these sentences, the words was and were are verbs. ये दोनों sentences में was and were जो हैं ये verbs हैं. We can say that these are helping verbs. हम helping verb भी इसे कह सकते हैं. इन दोनों sentences को अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जो दोनों sentences हैं ये past tense, भूतकाल की बात कर रहे हैं. ज्योति वॉज अ गुड स्टूडेंट। ज्योति एक अच्छी विद्यार्थी थी। द चिल्ड्रेन वर पोलाइट। बच्चे विनम्र थे, विनम्र स्वभाव के थे। लेट अस रीड फ्यू मोर सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड देयर यूजेस। वॉज। स्टूडेंट्स, वी यूज वॉज विद ही, शी, इट, आई। विद आई ऑल्सो वी यूज वॉज विद ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट्स मतलब सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट और आई के साथ हम वर्स का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। वी यूज वर विद वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। वर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर का यूज़ करते हैं। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। आई वॉज सैड व्हेन आई लॉस्ट माय पेट। द क्लासरूम वॉज बिग। रिचा वॉज अ स्वीट गर्ल। इट वॉज सनी यस्टरडे। विवेक वॉज इल। ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। In all these sentences, we can see that was. In all these sentences with subjects, we use was because these all subjects are singular subject. ये सभी subjects क्या हैं? Sentences में जितने भी subjects लिखे गए हैं, वे सभी singular number के हैं. तो singular subjects के साथ हम क्या use करते हैं? Was. And with he, she, इट और आई के साथ भी हम वर्स का यूज करते हैं। वर का यूज कहाँ पर किया जाता है? लेट सी। दे वर हैप्पी व्हेन दे वन द मैच। दे वर हैप्पी व्हेन दे वन द मैच। वी वर वेरी टायर्ड आफ्टर द मैच। विनीत एंड अमन वर हंग्री। You were late for the party. Those books were torn. Torn means फटा, tear का ये third form है, torn. They were not at home in the evening. There were no children.
सॉरी देयर वर नो चिल्ड्रन इन द लाइब्रेरी यस्टरडे. सो स्टूडेंट्स, इन ऑल दीज सेंटेंसेज वी कैन सी दैट सब्जेक्ट्स आर इन प्लूरल नंबर. इन सभी सेंटेंसेज में सब्जेक्ट्स जो हैं ये प्लूरल नंबर के हैं, तो इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब का यूज़ करते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ पास्ट टेंस में हम वर्ब का यूज़ करते हैं. दे वर, वी वर, विनीत एंड अमन वर, यू वर, दोज बुक्स या बुक्स वर, दे वर, देयर वर, नो चिल्ड्रन. तो इसमें सभी सेंटेंसेस क्या है, ये प्लूरल नंबर के हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमने वर का यूज़ किया है. नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. सो स्टूडेंट्स, वर्ड्स विच आर गिवन इन ब्रैकेट्स, वी हैव टू चूज करेक्ट वन फ्रॉम दोज. वॉज एंड वर ये ऑप्शंस हैं दो. हमें ये देखना है एक सेंटेंस में कहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, कहाँ पर प्लूरल. तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम वर्स का यूज़ करेंगे, और प्लूरल है तो वर का यूज़ करेंगे. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज मोहन, एंड ऑप्शंस आर वॉज और वर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. मोहन वॉज और वर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. सो इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज मोहन, एंड मोहन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. सो विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी विल यूज वॉज. Mohan was an intelligent student. Next, they were or was in the park in the evening. They, here subject is they. So with they we will use were, because they is a plural subject. They were in the park in the evening. Next, last December was or were the coldest month of the year in Delhi. Last December was or were the coldest month of the year in Delhi. So last December, here subject is December. So it is a singular subject. So with singular subject we will use was. Last December was the coldest month of the year in Delhi. Next, I lost the cycle which were or was gifted by my mother. I lost the cycle which. तो यहाँ पर साइकिल के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है. साइकिल के लिए वर्ब यूज़ करना है. साइकिल यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है. आई लॉस द साइकिल विच वॉज गिफ्टेड बाई माई मदर. विच वॉज गिफ्टेड बाई माई मदर. नेक्स्ट, मीना were or was absent yesterday. So in this sentence subject is Meena and it's a singular subject. So here we will use was. Meena was absent yesterday. Next, Tina was or were unwell last week. So Tina is a singular subject. So with singular subject we will use was. Tina was unwell last week. Chetan and Pia was or were neighbors. Chetan and Pia. So in this sentence subject is Chetan and Pia. दो लोगों की बात की जा रही है यहाँ पर. There are two persons, Chetan and Pia. So it is a plural subject. So with plural subject what will we use? Were. We will use were. Chetan and Pia were neighbors. And the last sentence is Vineet was or were in pain when he hurt himself. Vineet is a singular subject. So we will use was. Vineet was in pain when he hurt himself. So students, with singular subject we will use was, and with plural subject we will use were in past tense. Fill in the blanks with was or were. So students, you have to fill these blanks with was or were. First of all, you will read the sentences and you will focus on the subject. If the subject will be singular, so you will use was, and if the subject will be plural, so you will use were. So the first sentence is the books dash interesting. Meera dash 7 years old when we met her last year. The sky dash cloudy in the morning.
The children dash naughty. The woodcutter dash an honest man. The cartoon dash funny. The class dash noisy. Veena dash late. Those girls dash not in uniform. And the last one is the stars dash covered with clouds last night and could not be seen. तो आप सब्जेक्ट जो है उस पर फोकस करिएगा. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वॉज का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर वर का यूज़ करेंगे.